हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज फिर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी पंप हेड कैलकुलेशन। ठीक है, सेकेंडरी किलोवाट पंप हेड कैलकुलेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं, सेकेंडरी पंप का जैसे हेड कैलकुलेशन निकालना होगा आपको तो कैसे निकालेंगे। अब जैसा कि हम लोगों ने प्राइमरी पंप का निकाला था पूरा, उसके बाद पंप का ब्रेक हॉर्स पावर, हॉर्स पावर और किलोवाट निकल के आ गया था, वैसे ही सेकेंडरी पंप का निकालेंगे। तो सेकेंडरी पंप का निकालने के लिए सबसे पहले उसका लूप देखते हैं कि क्या होता है लूप। तो जैसा कि मैंने इसमें बताया था पीपीटी में कि सेकेंडरी पंप का लूप जो होता है, सेकेंडरी पंप के डिस्चार्ज से होते हुए जो लॉन्गेस्ट लेंथ होगा चिल वाटर पाइपिंग सिस्टम का, उसको हम लोग कंसिडर कर देंगे, या फिर सबसे फारदे सबसे दूर वाला जो एच यू होगा उसको कंसिडर करेंगे उस लाइन का, जैसे चिलवाटर सप्लाई लाइन, फिर चिलवाटर रिटर्न लाइन, फिर यहाँ से आके जो बाईपास लाइन से होके जो सेकेंडरी पंप के जो सक्शन पे जा रहा है, इस लाइन को कंसिडर करेंगे। तो आइए मैं ड्राइंग पे दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने मार्क किया हुआ S1 S2, यहाँ से पंप का डिस्चार्ज लाइन स्टार्ट हो रहा है ये, फिर पंप का हेडर हो जाएगा। हेडर आने के बाद फिर ये, अब मान लीजिए कि हम इस चिलर को कंसिडर करके अगर हेड लॉस निकाल लेते हैं, तो पंप क्या करेगा कि यहाँ तक तो सप्लाई करेगा को बढ़िया से, इतना ही पावर का पंप होगा। अगर पंप को इस एच यू तक वाटर को फ्लो कराना होगा तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि पंप का पावर ही नहीं है उतना कि यहाँ तक मानी भेज दे और भेज के फिर यहाँ से रिटर्न ले ले। तो हम इस वाले एच यू को कंसिडर करेंगे जो कि 30 टन का है, 72 JPM का, सबसे दूर का, सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ, सबसे फार्देस्ट लेंथ। और फिर ऐसे हम लोग पंप के डिस्चार्ज से होते हुए ऐसे आएंगे, फिर ऐसे रिटर्न लाइन से जाके, फिर यहाँ से जैसे ये बाईपास है, बाईपास से होते हुए पंप की इस हेडर को कंसिडर करके यहाँ पे पंप के सक्शन पे आकर रुक जाएंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सेल सीट में। अब एक्सेल सीट में स्टार्ट करने के लिए फिर से हमें हर चीज लिखना पड़ेगा पहले, जैसे हम लोगों ने लिखा था। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि दिखने लगे। वाल्व फिटिंग हो गया, ये सेक्शन कौन सा सेक्शन हो जाएगा, तो अब यहाँ पे कौन सा सेक्शन है हमारा, S1 2 S2। ठीक है, अब S1 2 S2 तो हमारा है अब, लेकिन ये क्या है, पंप का डिस्चार्ज है, पंप का डिस्चार्ज है। और कितने mm का कितने इंच का पाइप है, 3 इंच का पाइप है। तो पंप के डिस्चार्ज पे क्या क्या होगा कनेक्शन आपका। अब जैसे प्राइमरी पंप में हमने लिखा निकाला था एक स्ट्रेट पाइप, फ्लेक्सिबल कनेक्शन, चेक वाल्व, DRB। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मेन प्राइमरी पंप, एक पंप का आप निकाल लिए तो दूसरा पंप आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद एक लाइन यहाँ से हम लोग फॉर्मूला वाला कॉपी कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हम लोगों को ऐड ना करना पड़े हर चीज। और फिर इसको हम ऐसे पूरे में पेस्ट करके मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। सो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, उसमें उसमें सिर्फ हम लोगों को वैल्यू एंटर करना है या फिर आने देते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेट पाइप कितना, 3 इंच का पाइप था, 3 इंच का पाइप है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पंप डिस्चार्ज लाइन। पंप डिस्चार्ज लाइन हो गया। स्ट्रेट पाइप हमारा कितने इंच का है, 3 इंच का है। और लेंथ कितना है, अब यहाँ पे जैसे सेम लेंथ है यहाँ पे, तो इसको भी मैं कंसीडर कर लेता हूँ। कितना है mm यहाँ पे कंसीडर हम लोग किए थे, 1.5 मीटर का, तो यहाँ भी 1.5 मीटर का कंसीडर कर लेते हैं। फिर फिट में हो जाएगा, 96 GPM फ्लो हो रहा है। फ्रिक्शन उसका 2.263 है। स्ट्रेट पाइप का इक्विवेलेंट लेंथ 0 और फिटिंग 0, फिर ये आ जाएगा 0.11। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्सिबल कनेक्शन 3 इंच का होगा, ये सब जितना होगा हमारा सब 3 इंच का होगा। ठीक है, उसके बाद सब में 96 GPM फ्लो होगा और उसका फ्रिक्शन हेड लॉस जो होगा उस सेम होगा। उसके बाद अब फ्लेक्सिबल कनेक्शन है हमारा, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, लेंथ 0 हो जाएगा जो भी फिटिंग से उसका।
अब फिटिंग में आपको सिर्फ इक्विवेलेंट लेंथ और नंबर ऑफ फिटिंग डालना है। अब फ्लेक्सिबल कनेक्शन में इक्विवेलेंट लेंथ हम लोगों ने 21 कंसीडर किया था, तो यहाँ भी 21 करेंगे और एक फिटिंग है। फिर उसके बाद 3 इंच का जो चेक वाल्व है उसमें कितना लॉस हो रहा है, 3 इंच का स्विंग चेक वाल्व 3 इंच का कितना लॉस हो रहा है, 30 फिट का, तो 30 फिट का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे 30 फिट लिख देंगे। एक चेक, एक है फिटिंग। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे हमारा बैलेंसिंग वाल्व DRB जो है 3 इंच का। फिर 3 इंच के DRB में कितना लॉस हो रहा है, 84 फीट का। ये जैसे 84 यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो 3 इंच यहाँ पे लिख देते हैं 84, और उसके बाद नंबर ऑफ फिटिंग 1 हो जाएगा। उसके बाद बटरफ्लाई वाल्व या फिर गेट वाल्व जो है यहाँ पे, ये गेट वाल्व 3 इंच का, तो इसमें लॉस हो रहा है 3.2, तो यहाँ लिख देंगे 3.2। और एक गेट वाल्व लगा हुआ है, तो ये आ गया स्टेट पाइप का डिस्चार्ज का, हमारा काम खत्म हो गया यहाँ। फिर नेक्स्ट चलेंगे हम फिर नेक्स्ट लाइन हमारा कौन सा होगा, S2 से चलेंगे सीधा। अब यहां से जैसे डिस्चार्ज है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसको उठा दिया, डिस्चार्ज लाइन ऐसे उठ गया। उसके बाद ये सीधा लाइन आ रहा है, ठीक है। अब यहां से फिर एक टी ब्रांच लगा हुआ है, S2 से लेके सीधा यहां से लेके S4 तक सेम एक लेवल पे पाइप है, तो हम लोग S2 से S4 कंसीडर करते हैं। S2 से S4 ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्चार्ज हेडर, ठीक है। तो लिख दीजिए किस चीज का हेडर है, पंप डिस्चार्ज हेडर, पंप डिस्चार्ज हेडर है। यहाँ पे क्या एक एक दो तीन टी लगा हुआ है, और यहाँ पे एक टी लगा हुआ है, इसको भी कंसीडर कर लेते हैं इसी में, तो 4 टी हो गया। और इसका लेंथ कितना हो जाएगा टोटल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टोटल 9.5 मीटर है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं जैसे कितने इंच का पाइप है, तो मेन पाइप है ये, तो 5 इंच का पाइप होगा, 5 इंच का पाइप है, और ये स्ट्रेट पाइप है 5 इंच का, 9.5 मीटर लेंथ है। उसके बाद कितना जीपीएम फ्लो हो रहा है इसमें, 288 जीपीएम फ्लो हो रहा है। फिर अब 5 इंच के पाइप में 288 जीपीएम, तो फ्रिक्शन देखेंगे यहाँ पे कितना होगा। 5 इंच का पाइप है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 इंच का पाइप है, 288 जीपीएम फ्लो हो रहा है, तो हेड यहाँ फ्रिक्शन लॉस कितना दिखा रहा है, 1.487, 1.487, तो 1.487 मैंने लिख दिया। उसके बाद स्ट्रेट पाइप में इक्विवेलेंट लेंथ में कितना, जैसे फिट कितना फिट का लॉस हो रहा है, 0 फिट का लॉस हो रहा है, और यहाँ पे 0 फिटिंग है, तो ये आपका टोटल निकल के आ जाएगा 0.46। अब फिर यहाँ पे टी लगा हुआ था, 5 इंच का ही पाइप है, 0 फीट लेंथ है इसका टी का, और जीपीएम 288 जीपीएम फ्लो हो रहा है, और 1.487 इसका हो जाएगा फ्रिक्शन। और टी देखेंगे 5 इंच के टी में कितना लॉस हो रहा है, ये टी है यहाँ पे ब्लो थ्रो ब्रांच, ठीक है। तो 5 इंच का देखेंगे यहाँ पे, तो 25 फीट का लॉस हो रहा है 5 इंच में, 25 फीट का, और कितना नंबर ऑफ फिटिंग है, 4 फिटिंग है, जो कि मैं यहाँ से यहाँ तक टोटल जितना था, एक दो तीन, एक दो तीन, और एक यहाँ 4 ले लिया मैंने, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग ऐसे जाएंगे, अब S4 से S5 हमारा कितना जीपीएम है, 228 जीपीएम है। 228 जीपीएम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 60 जीपीएम यहाँ से निकल गया मेन पाइप से, तो अब यहाँ पे 228 जीपीएम में, अब यहाँ पे क्या क्या होगा S4 में देखिए, यहाँ से अगर हम चलेंगे तो रिड्यूसर लगेगा, रिड्यूसर, तो हम लोग रिड्यूसर इस पाइप में कंसिडर करेंगे, या फिर यहाँ पे भी एक रिड्यूसर लगेगा, क्योंकि यहाँ 288 वो टी लग के एक रिड्यूसर लगेगा, फिर स्ट्रेट पाइप पूरा होगा, ठीक है। तो स्ट्रेट पाइप प्लस रिड्यूसर कौन सा सेक्शन है, S4 to S5, S4 to S5,
स्टील वाटर सप्लाई लाइन, स्टील वाटर सप्लाई है और स्ट्रेट पाइप हो जाएगा और उसके बाद एक रिड्यूसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका चिल वाटर जो सप्लाई का लाइन था ये कितना एमएम का है, कितना इंच का है, 4 इंच का है, 228 जीपीएम फ्लो हो रहा है, 4 इंच का पाइप है और इसका लेंथ है यहां से यहां तक का लेंथ ले लेते हैं लगभग 13.8 मीटर, 13.8 मीटर है। उसके बाद 228 जीपीएम फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे इसका फ्रिक्शन देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि 4 इंच का पाइप था मेरा और 228 जीपीएम फ्लो हो रहा था, तो हेड लॉस से यहाँ पर कितना आ रहा है फीट पर 100 फीट, 2.955। उसके बाद स्ट्रेट पाइप में इक्विवेलेंट लेंथ 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये यहाँ पे 1.34 निकल के आ गया। उसके बाद एक रिड्यूसर है तो वो 4 इंच का ही होगा और रिड्यूसर का लेंथ 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये फिर फिटिंग हो जाता है आपका, तो ये 228 जीपीएम यहाँ पे आ जाएगा और 2.955 यहाँ भी फ्रिक्शन लॉस होगा। और रिड्यूसर में अब 4 इंच का रिड्यूसर देखेंगे कहाँ पे है। अब रिड्यूसर देखिए इस टाइप से, अब हायर डायमीटर से लोअर डायमीटर में जा रहा है, ठीक है। अब इस डायमीटर में हम लोग स्टैंडर्ड देखेंगे, डी बाई डी कितना आ रहा है हम लोग का यहाँ पे, इसका डायमीटर कितना है लगभग 3.5 का है, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, 3.5 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा है 0.8, 3/4 करते हैं तो 0.8 आ रहा था, ये 0.75 अप्रोक्स, ये वाला 3/4 में देखेंगे हम लोग तो कितना इंच का हमारा रिड्यूसर है, 4 इंच का रिड्यूसर है। अब 4 इंच का रिड्यूसर ये दिया हुआ है यहाँ पे, इसका फिर कितना लॉस हो रहा है 3.8 फीट का, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है 3.8 फीट का। और कितना रिड्यूसर है, एक ही रिड्यूसर होगा, एक पाइप में एक रिड्यूसर लग रहा है। इसको मर्ज कर देते हैं, इसको भी मैच कर दिया मैंने, इसको सेंटर कर देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा सेक्शन है, फिर S5 to S6 है, ठीक है, क्योंकि अब यहां से भी एक HU के लिए पाइप निकल जा रहा है, ये पाइप निकल गया तो फिर 60 जीपीएम कम हो गया, तो अब 168 जीपीएम फ्लो हो रहा है, 3.5 इंच का पाइप है यहाँ पे S5 to S6 S6 ये भी चिल वाटर सप्लाई लाइन हो गया, स्ट्रेट पाइप होगा और एक रिड्यूसर होगा। तो यहाँ पे जैसे लिख देते हैं 3 and 1/2, 3.5 इंच का पाइप हो गया और इस पाइप का लेंथ कितना है यहाँ पे अगर नाप लें हम 1.62 मीटर का है और यहाँ पे एक रिड्यूसर होगा और एक पाइप होगा, 1.62 मीटर का हो गया और कितना जीपीएम फ्लो हो रहा है 168 जीपीएम, 3.5 इंच का पाइप है 168 जीपीएम, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लॉस हो रहा है 2.342, ठीक है। अब स्ट्रेट पाइप है, अब स्ट्रेट पाइप में इक्विवेलेंट लेंथ यहाँ पे जो इक्विवेलेंट लेंथ होगा वो, इसको हम कर देते हैं फ्री, इक्विवेलेंट लेंथ होगा 0 और इसका फिटिंग भी 0 है क्योंकि फिटिंग हम अलग से यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं रिड्यूसर। फिर ये भी आपका 3.5 इंच का पाइप हो जाएगा, 3.5 इंच का पाइप है, 168 जीपीएम फ्लो रहा है और उसमें भी फ्रिक्शन लॉस इक्वल होगा, रिड्यूसर है तो लेंथ 0 हो जाएगा, 3.5 इंच रिड्यूसर देखते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट रिड्यूसर कितने इंच का पाइप है, 3.5 इंच है, 3.5 इंच है, ठीक है। तो अगर हम करते हैं 3.5 डिवाइड बाई 3.5 कितना आएगा, 1 आएगा,
तो यहाँ पे हम देखेंगे, वन का इसमें नहीं है तो अप्रोक्स नियरली ये 0.8 वाला ही हम कंसिडर कर लेते हैं। 3.5 में कितना है, 3 फीट का यहाँ पे लॉस हो रहा है, 3 फीट का और एक रिड्यूसर है, तो यहाँ भी इसका आपका आ गया। इसको मर्ज कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट में आने के बाद अब S6 to S7 आपका चिल वाटर सप्लाई लाइन ही है, एक स्ट्रेट पाइप है, फिर रिड्यूसर है, ठीक है। कितने इंच का पाइप है ये, 3.5 इंच का ही पाइप है, 132 GPM फ्लो हो रहा है, 3.5 इंच का ही पाइप है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है 132 GPM, तो सेम यहाँ पे लॉस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 3.5 इंच का है, अगर 132 GPM फ्लो करा रहे हैं तो लॉस होगा हमारा 1.494, ठीक है। अब स्ट्रेट पाइप है तो इक्विवेलेंट लेंथ 0, फिटिंग 0, यहाँ पे टोटल स्ट्रेट लेंथ डालना पड़ेगा पाइप का, ये लेंथ निकाल के यहाँ से यहाँ तक का हम डाल देते हैं, 11 मीटर है, 11 मीटर, तो यहाँ पे लॉस निकल के आ गया हेड लॉस, ठीक है, 0.54। फिर हम रिड्यूसर देखते हैं, 3.5 रिड्यूसर में कितना लॉस था, 3 का लॉस था, ऊपर वो हम लोगों ने किया था यहाँ पे किया था, तो वही मैं 3 डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1 रिड्यूसर है तो ये आ गया 1। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा सेक्शन आ जाएगा, फिर S7-2 आ जाएगा, हम इस चिलर इस एच को कंसिडर कर रहे हैं, तो S7-2 S8, ये आपका कौन सा लाइन है, चिल वाटर सप्लाई लाइन है, फिर आपका स्टेट पाइप आएगा, रिड्यूसर आएगा, अब उसके बाद क्या आएगा सोचिए, रिड्यूसर आएगा, स्ट्रेट पाइप आएगा, फिर जब आएंगे आप एचयू के पास तो एचयू का कनेक्शन होगा, एचयू का पाइपिंग कनेक्शन। अब एचयू के पाइपिंग कनेक्शन में क्या क्या होता है, अब एक एचयू है उसमें सप्लाई का जो वाटर आ रहा है, ये वाटर आ रहा है सप्लाई का, तो इसमें क्या क्या है, गेट वाल्व है, स्ट्रेनर है, फ्लेक्सिबल कनेक्शन है, गेट वाल्व, स्ट्रेनर, फ्लेक्सिबल कनेक्शन, स्ट्रेनर हो गया और गेट वाल्व हो गया, फ्लेक्सिबल कनेक्शन हो गया, ठीक है। इन सबको यहां तक मैं मर्ज कर देता हूं, एक सिस्टम बन गया। स्ट्रेट पाइप, अब पाइप का साइज क्या है, पाइप का साइज है 2.5, 72 GPM, 2.5 का पाइप है, इसका पाइप का लेंथ कितना है, चार मीटर, और ये है तो इतना मैं एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, 4 मीटर, 13, 4, 17, 17.5 मीटर है ये लेंथ पूरा, 17.5 मीटर हो गया, और कितना जीपीएम फ्लो हो रहा है इस पाइप से, 72 GPM, मतलब 72 GPM का एच यू तो 72 GPM ही फ्लो होगा, 72 GPM, और फिर 2.5 इंच का पाइप है तो इसका फ्रिक्शन लॉस देख लेते हैं हम, 2.5 इंच का पाइप है, 72 GPM, तो इसका लॉस हो जाएगा 3.894, तो 72 GPM, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सब सारे कनेक्ट उसमें फिटिंग में पाइप में सेम होगा, और ये पाइप साइज भी हमारा ये सेम है, ठीक है। और स्ट्रेट पाइप में फिर हमारा फिटिंग इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट लेंथ 0 और फिटिंग भी 0 हो जाएगा, और ये आपका कंसीडर होके आ गया 2.24। सेम वैसे ही रिड्यूसर 2.5 इंच का है, तो रिड्यूसर में ये 0, फिटिंग में जितना है लेंथ 0 हो जाएगा, उसके बाद रिड्यूसर देखते हैं 2.5 है तो यही मैं 3-4 वाला ही कंसीडर कर लेता हूँ, कितने इंच का, 2.5 का,
2 फीट का इसमें मान लेते हैं, 2 फीट का लॉस मान लेते हैं, एक रिड्यूसर मान लेते हैं क्योंकि एक ही रिड्यूसर है, और फिर स्ट्रेनर आ जाएगा, 2.5 इंच का स्ट्रेनर है, ये स्ट्रेनर है आपका, मान लीजिए फ्लेंज टाइप है, 2.5 इंच का, तो कितना इसमें लॉस है, 28 फीट का लॉस है, यहाँ पे 28 फीट का है और एक फिटिंग है, मतलब एक स्ट्रेनर है, फिर गेट बल्ब लगा हुआ है 2.5 का, ये गेट बल्ब है, 2.5 का गेट बल्ब है, तो 2.8 फीट यहाँ लॉस हो रहा है, 2.8 फीट, फिर एक फिटिंग एक है, उसके बाद फ्लेक्सिबल कनेक्शन को मैं फिर 21 मानता हूँ, और एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन है, तो सप्लाई का हम लोगों ने निकाल लिया चिलर के इनलेट तक। अब फिर यहाँ से हम रिटर्न जाएंगे, फिर S9 से ऐसे रिटर्न जाएंगे, ठीक है, रिटर्न जाने के बाद फिर ऐसे बाईपास लाइन से होते हुए, अब बाईपास लाइन से होते हुए इसे सक्शन सक्शन लाइन को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पंप के सक्शन पे जाके इड कर देंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे S9 to S10। अब S9 to S10 हमारा क्या है, चिल वाटर रिटर्न, यहां पे लिख देते हैं चिल्ड वाटर सप्लाई, चिल वाटर सप्लाई, अभी चिल वाटर रिटर्न लाइन आ गया, फिर चिल वाटर रिटर्न में अब इधर से हम लोग उल्टा चलेंगे, जब उल्टा चलेंगे तो फिर एक रिड्यूसर होगा, सेम वैसे ही अब रिड्यूसर होगा, उसके बाद स्ट्रेट पाइप है, फिर चिलर का कनेक्शन है, फिर यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेट पाइप है, रिड्यूसर है, अब चिल वाटर रिटर्न का कनेक्शन क्या होता है, रिटर्न में जैसे एक दो गेट वाल्व लगा हुआ है, एक ग्लोब वाल्व है, एक मोटर ऑपरेटेड ग्लोब वाल्व है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं फ्लेक्सिबल कनेक्शन, पहले फ्लेक्सिबल कनेक्शन, उसके बाद गेट वाल्व है, उसके बाद मोटर ऑपरेटेड ग्लोब वाल्व है, गेट वाल्व है, उसके बाद सीधा लिख देते हैं ग्लोब ग्लोब वाल्व है, तो दो दो ग्लोब वाल्व हो जाएगा, दो गेट वाल्व हो जाएगा, एक फ्लेक्सिबल कनेक्शन हो जाएगा। अब स्ट्रेट पाइप का डायमेंशन यहां से यहां तक का जो लेंथ था वही लेंथ इक्वल है, कितना लेंथ है ये 17.5, 2.5 का पाइप है, 2.5 का पाइप है, 17.5 लेंथ मीटर हो गया, ये आपका 72 GPM फ्लो हो रहा है, बाद सेम आपका 3.894 फ्रिक्शन लॉस होगा, उसके बाद स्टेट में 0 और 0 ये आ गया, सेम वैसे ही रिड्यूसर ये भी सब 2.5 का हो जाएगा, 72 GPM फ्लो हो रहा है, तो ये भी सेम हो जाएगा आपका फ्रिक्शन और लॉस, और फिटिंग में लेंथ 0 होता है, फिर रिड्यूसर में कितने का, 2.5 के रिड्यूसर में यहाँ पे कितना, 2 का था, एक लॉस हो रहा था, मतलब 2 फिट का लॉस है, एक क्वांटिटी है, सेम वैसे ही फ्लेक्सिबल कनेक्शन 21 एक क्वांटिटी है, फिर गेट वाल्व में कितने का लॉस हो रहा था, 2.5 गेट वाल्व जो है यहाँ पे 2.8, 2.8 और कितना, 2 गेट वाल्व है, फिर वैसे ग्लोब वाल्व देख लेते हैं, 2.5 का ग्लोब वाल्व, ये ग्लोब वाल्व है 2.5 का, तो 69 का है यहाँ पे लॉस, 69 का 2 क्वांटिटी है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट होते चल रहा है, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मर्ज कर देते हैं, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, फिर चलेंगे S10 से S11। अब इसमें भी क्या होगा, एक एक रिड्यूसर लगा हुआ है, तब रिड्यूसर लगने के बाद ही पाइप रिड्यूस हुआ, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे लगने के बाद फिर एक रिड्यूसर यहाँ लग के, फिर तो पाइप एंड रिड्यूसर, ठीक है,
एस टेन टू एस एलेवन, 10.3 है एस टेन टू एस एलेवन चिल वाटर रिटर्न। स्ट्रेट पाइप हो जाएगा और एक रिड्यूसर हो जाएगा। कितने इंच का पाइप है? 3.5 इंच का, 132 GPM। 3.5 इंच का, ये भी 3.5 इंच का हो जाएगा। और ये लगभग कितना मीटर था? मीटर, इसको लिख देते हैं 10.5 मीटर। और फिर कितना जीपीएम फ्लो हो रहा था यहाँ से? 132 GPM, 132 GPM। 3.5 वाला पाइप जो था हमारा, 132 GPM, तो 1.494 फ्रिक्शन लॉस है। और स्ट्रेट पाइप में इक्विवेलेंट लेंथ 0, फिटिंग 0। फिर नेक्स्ट चले आएंगे, ऐसे ही रिड्यूसर भी 0 हो जाएगा लेंथ, और 132 GPM और 1.494। उसके बाद फिर रिड्यूसर, 3.5 का रिड्यूसर यहाँ पे लगा हुआ है। 3.5 का रिड्यूसर, कितना इसमें लॉस हो रहा है? 3 फीट का, 3 फीट का, और एक क्वांटिटी है। फिर नेक्स्ट आ जाता है S11 to S12। S11 to S12, ये भी आपका चिल वाटर रिटर्न है, ये भी आपका स्ट्रेट पाइप हो जाएगा। स्ट्रेट पाइप होगा और एक रिड्यूसर होगा। 3.5 इंच का ही पाइप है ये भी, 168 GPM। 3.5 इंच का पाइप है, 168 GPM यहाँ पे था ना, 168 GPM मतलब 2.342। यहाँ पे इसका लेंथ कितना लिया था हम लोगों ने? सेम लेंथ ये भी होगा यहाँ पे, 1.62, 1.62। स्ट्रेट पाइप 1.62 हो गया। फिर यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंथ 0 और फिटिंग, नंबर ऑफ फिटिंग 0। यहाँ पे रिड्यूसर में लेंथ 0, 168 GPM फ्लो हो रहा है, और 3.5 इंच का रिड्यूसर में कितना? 3 फीट का लॉस हो रहा है, एक रिड्यूसर है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। फिर नेक्स्ट आ जाता है S12 से लेके, ऐसे पूरा एक हेडर ऐसे चल रहा है S13 तक। सत्रह मीटर का है, 4 इंच का पाइप है। S12 से S13 चिल वाटर रिटर्न आ जाएगा, स्ट्रेट पाइप आ जाएगा, रिड्यूसर आ जाएगा। 4 इंच का पाइप है, 17 मीटर का लेंथ है, 228 GPM फ्लो हो रहा है इस पाइप से, 228 GPM। तो 4 इंच के पाइप वाला देख लेते हैं, तो 228, 2.955, 2.955। और फिर इक्विवेलेंट लेंथ 0 यहाँ पे, फिटिंग 0 कर देंगे, और रिड्यूसर में 0 हो जाएगा, 228 हो जाएगा, 2.955 हो जाएगा। 4 इंच के रिड्यूसर में कितना लॉस हो रहा था यहाँ पे देख लेते हैं। रिड्यूसर है 4 इंच का, 21 21, ठीक है, एक एक रिड्यूसर है। फिर इसको मर्ज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हम चलेंगे अब S13 से लेके S14, ठीक है। S13 से S14 चलेंगे, चिल वाटर रिटर्न हो गया,
रेट पाइप हो गया, अब यहाँ पे रिड्यूसर होगा कि नहीं होगा। यहाँ से मेन पाइप आ रहा था निकलने के बाद, यहाँ से रिड्यूसर लगा था, तो यहाँ कोई रिड्यूसर नहीं है, एक एल्बो लगा हुआ है 90 डिग्री, 90 डिग्री एल्बो है। ये 5 इंच का पाइप है, मेन पाइप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 228 GPM, ठीक है, 5 इंच का पाइप है, 288 GPM फ्लो हो रहा है, 288 GPM 1.487 इसका फ्रिक्शन है लॉस, 1.487 यहाँ भी देख सकते हैं आप, 1.487 पांच इंच में जो था, और फिर ये आ गया 1.487। अब स्ट्रेट पाइप जो है इसका लेंथ कितना है, ये लेंथ यहां से हो जाएगा 3.5 मीटर और बाईपास लाइन तक कितना हो जाएगा 3 मीटर, तो 6.5 मीटर अप्रोक्स, 6.5 मीटर यहाँ पे हम लोग डालते हैं। फिर आ जाएंगे इक्विवेलेंट लेंथ में, जीरो लेंथ होगा, स्ट्रेट पाइप है, फिटिंग जीरो होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं एल्बो में, लेंथ जीरो हो जाएगा और इक्विवेलेंट लेंथ 5 इंच 90 डिग्री एल्बो देखते हैं, 90 डिग्री एल्बो है 5 इंच का, तो कितना फिट का लॉस हो रहा है, 13 फिट का लॉस हो रहा है, कितना फिटिंग है, 1। फिर इसको हम लोग मर्ज कर देते हैं, थोड़ा सा और रह गया वो भी कर लेते हैं। अब चलेंगे S14 से, अब S14 से हम लोग चलेंगे S15 तक, ये बाईपास लाइन है पूरा, S14 से चलेंगे S15 बाईपास लाइन, ठीक है। अब बाईपास लाइन में स्ट्रेट पाइप है और 90 डिग्री एल्बो है, दिखा दें, ये दो एल्बो लगा हुआ है, ये पूरा लाइन है, तो इसका लेंथ कितना है, 11.5 मीटर के आसपास था, 11.2 मीटर। तो कितने इंच का है, 5 इंच का ही है, 5 इंच का ही है, 11.2 मीटर लेंथ है, और कितना 288 GPM फ्लो हो रहा है 5 इंच, तो फ्रिक्शन लॉस भी सेम होगा। उसके बाद इक्विवेलेंट लेंथ जीरो, नंबर ऑफ फिटिंग जीरो, फिर 90 डिग्री एल्बो में लेंथ जीरो हो जाएगा, 288 GPM 1.487, और 90 डिग्री एल्बो 5 इंच का है तो कितने फिट का लॉस होगा, 90 डिग्री एल्बो अगर 5 इंच का है तो 13 फिट का लॉस होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 13, और कितना 90 डिग्री एल्बो है, 2 है। फिर बाईपास लाइन हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कहाँ पे हमारा, अब ये हम S15 से लेके ये पूरा को बना देते हैं हम S16 यहां तक, ठीक है, और फिर S16 से ये पंप के सक्शन पे चलेंगे S17, ठीक है, S15 to S16 ये क्या हो जाएगा, पंप सक्शन हेडर, कैसे, यहां पे ये सक्शन हेडर है, ठीक है, यहां से फिर ये ब्रांचिंग हो रहा है, इसका लेंथ देख लो भाई साहब कितना है, यहां से यहां तक का लेंथ है 6.1 मीटर, स्ट्रेट पाइप है, यहाँ पे फिर टी लगा हुआ है, 5 इंच का है, कितना लेंथ है 6.1, और कितना 288 GPM फ्लो हो रहा है, तो 1.487 हो जाएगा, इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे ये भी 0.0 हो जाएगा, स्ट्रेट है तो टी है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 288 GPM हो जाएगा, 1.487 फ्रिक्शन हो जाएगा, और 5 इंच के टी में कितना लॉस होता है, अगर टी 5 इंच का है, ये टी दिखा रहा है ना, ये इधर इधर इधर, ठीक है,
5 इंच का टी है तो 25 फीट का लॉस हो रहा है यहाँ पे, 25 फीट का कितना, 3 टी लगा हुआ है। कैसे 3 टी लगा हुआ है, 1 2 3 पंप है। अब ठीक है, अब S16 से S17 आ जाएंगे हम लोग। S16 से S17 फिर आ जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा, पंप सक्शन लाइन। पंप सक्शन लाइन में क्या क्या है आपका, तो एक स्ट्रेट पाइप हो जाएगा, फिर एक एल्बो होगा, फिर पंप कनेक्शन होगा। स्ट्रेट पाइप हो जाएगा, 90 डिग्री एल्बो होगा। अब कैसे होगा वो भी दिखा देते हैं। अब ये सक्शन पे आ रहा है ना, एक एल्बो दो एल्बो लगेगा अब पंप का, जो भी सेकेंडरी पंप का सक्शन देखते हैं क्या है। सेकेंडरी पंप के बटरफ्लाई वाल्व और स्ट्रेनर है, बटरफ्लाई वाल्व और स्ट्रेनर है, ठीक है ना। अब स्ट्रेट पाइप देख लेते हैं कितने मीटर का है। यहाँ पे जितना हम लोग लिए थे उतना ही ले लेते हैं इसको, उसको 1.5 लिए थे तो इसको 2.5 ले लेते हैं, थोड़ा घूम के आ रहा है। और नहीं, 5 इंच का ही है, 3 इंच का पाइप है, 96 GPM, 3 इंच का पाइप है, 96 GPM, ठीक है। और 2.5 मीटर लेंथ ले लेते हैं इसका, और 3 इंच का पाइप है, 96 GPM है, तो फ्रिक्शन रेट कितना होगा। 3 इंच का पाइप है, 2.263, 2.263 स्ट्रेट पाइप है तो 0 और फिटिंग 0। फिर 3 इंच का पाइप यहाँ पे सब में सेम होगा, और ये 96 GPM सब में फ्लो हो रहा है, फिर जितना भी फिटिंग है उसमें 0 लेंथ हो जाएगा। और 3 इंच का 90 डिग्री एल्बो है, 3 इंच का 90 डिग्री एल्बो है तो कितना फिट लॉस हो रहा है, 90 डिग्री एल्बो तो 7.5 फिट, 7.5 फीट का लॉस हो रहा है। एक क्वांटिटी है, नहीं, दो क्वांटिटी है, और बटरफ्लाई वाल्व एक है 3 इंच का। बटरफ्लाई वाल्व या फिर गेट वाल्व है तो 3 इंच का, तो 3.2 फीट, 3.2 फीट एक क्वांटिटी है। फिर स्ट्रेनर है 3 इंच का, ये स्ट्रेनर हो जाएगा 3 इंच का, तो कितना 42 फीट का इसमें लॉस है, 42 और एक, ठीक है। ये पंप सक्शन हो गया, तो यहाँ तक हमने लास्ट तक निकाल लिया है, 17 तक, जो 17 यहाँ पे मैंने लिखा था इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ यहाँ तक इसको कंसिडर किया मैंने, ऐसे यहाँ से ऐसे लेके पूरा रिटर्न आके यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो एक्स्ट्रा है हम इसको कर देते हैं डिलीट। फिर इसको काउंट कर लेते हैं कितना आ रहा है, ये टोटल सम आ रहा है 27.9, 27.9 फीट आ रहा है। 27.9 फीट का फिर वैसे ही 15% हम लोग ले लेंगे, 27.9 का 15%, 27.9 का 15% एक्स्ट्रा, तो ये मीटर वाले में अगर हम लोग 15% एक्स्ट्रा लेते हैं, 9.7 आ रहा है, तो फिर ये मीटर हो जाएगा 27.9 में अगर 15% बढ़ेगा तो कितना होगा, 27.9 4.1, तो 15 फीट वाले को मैंने एक कलर का कर दिया और मीटर वाले को एक कलर का कर दिया। सेम वैसे ही फिर ब्रेक हॉर्स पावर निकालेंगे, तो यहाँ पे फिर हमें जीपीएम कितना था, टोटल हमारा 288 GPM था, तो 288 GPM इंटू M92, M92 टोटल हमारा, जैसे जो हेड आ गया टोटल हेड इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 हो गया, और डिवाइड बाई 396 इंटू इसका इफिशियंसी पंप का 0.85, मतलब 85% ले लिए, तो यहाँ पे कितना
कितने एचपी का पाइप आ रहा है, पंप आ रहा है कितने एचपी का, 3.16। और प्राइमरी पंप हमारा था 3.44। और इसमें हम लोग एक चीज छोड़ रहे हैं, जैसे एचयू का हम लोगों ने ऐड नहीं किया है, तो एचयू का भी ऐड कर लेते हैं। इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं एचयू का भी, ठीक है। अब एचयू के लिए जैसे अभी हमें, हमारे पास नहीं है एचयू का, तो मैं फिलहाल 15 कंसिडर कर लेता हूँ। 15 कंसिडर करने के बाद इसको अगर हम टोटल करते हैं, क्योंकि एचयू में भी लॉस हो रहा है, तो एचयू भी कंसिडर होगा, जैसे हमने किलर कंसिडर किया था, ठीक है। तो सेकेंडरी पंप का एचपी ज्यादा आ रहा है, ज्यादा किलोवाट का है, क्योंकि ये पूरे बिल्डिंग में ऐसे वाटर को ऐसे फ्लो करा के फिर यहाँ पे सक कर रहा है, और फिर सक प्राइमरी पंप छोटा है ये इसका लूप। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो प्राइमरी पंप में हमारा कितना था एचपी 3.95 का, और सेकेंडरी पंप 4.85 का। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा हेड लॉस कैलकुलेशन, जिसको हम लोग पंप हेड कैलकुलेशन के नाम से जानते हैं। तो कैसे हेड कैलकुलेशन करते हैं पंप का हेड, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, और किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।